नमस्कार, अंजलि चौधरी के साथ आप देख रहे हैं मीडिया टुडे। शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों से। अंतरिक्ष में भारत की एक और कामयाबी, श्रीहरिकोटा से किया गया रिसोर्स सेट 2A का सफल लॉन्च। आज नोटबंदी का 29वां दिन, संसद में आज फिर नोटबंदी का मुद्दा गरमाया रहा। विपक्ष पीएम के जवाब पर अड़ा रहा, वहीं अरुण जेटली ने विपक्ष को आड़े हाथ लेते हुए मुद्दे से भटकाने का आरोप लगाया। प्रधानमंत्री मोदी ने पार्टी सांसदों से आग्रह किया कि वो जनता को नोटबंदी के फायदे समझाएं और कैशलेस व्यवस्था के बारे में बताएं। वहीं नोटबंदी के बाद आज आरबीआई मौद्रिक नीति समीक्षा पेश करेगी, उम्मीद है इस समीक्षा में ब्याज दरों में कटौती का ऐलान भी हो सकता है। तो बड़ी खबरों के बाद आपको बताते हैं पूर्वी दिल्ली के एटीएमओ का हाल। नोटबंदी के बाद सरकार दावे कर रही है कि नोट छापने का काम तेजी से हो रहा है और स्थिति सामान्य होती जा रही है। एटीएम में सुधार किए जा चुके हैं, पर जमीनी स्तर पर हकीकत कुछ और है। मीडिया टुडे की खास रिपोर्ट में देखते हैं कैशलेस एटीएम। आज हम अपनी इस रिपोर्ट में देखने जा रहे हैं कि किस तरह से लोग एटीएमओ के बाहर अपने पैसे निकाल रहे हैं, कहां कहां एटीएम में पैसे हैं और कहां नहीं है। हमारे साथ कुछ लोग बात भी करने के लिए मौजूद हैं, जिनसे हम जानेंगे एटीएम के अंदर क्या स्थिति है। और देख सकते हैं एटीएम फिलहाल बंद है, लेकिन हम जानेंगे, एक सज्जन हमारे साथ आए हुए हैं व्यक्ति, उनसे भी जानते हैं क्या स्थिति है। आप यहां आए एटीएम में, तो क्या आपको देखने को मिला? ये लास्ट 5 दिनों से इसमें एक भी पैसा नहीं आया है और बहुत बुरा हाल है। बाहर लोग कमीशन लेके बदल रहे हैं, तो ब्लैक मनी कहां ख़त्म होगी? ये डीमोनेटाइजेशन से, जो गवर्नमेंट की पॉलिसी थी कि डीमोनेटाइजेशन से ब्लैक मनी ख़त्म हो जाएगी, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि ब्लैक मनी ख़त्म होगी। आप और कौन किन एटीएम में गए हैं आसपास? ICICI बैंक, बैंक ऑफ इंडिया में, जहाँ है पैसा वहाँ बहुत लंबी लंबी लाइनें लगी हुई है। अब मेरी उम्र मतलब 55-56 साल है, ऐसे लाइनों में खड़ा होना बड़ा मुश्किल है। मतलब गवर्नमेंट इस तरफ कोई ध्यान नहीं दे रही है, बस रोज़ नए नए फरमान आ जाते हैं। तुगलक ही फरमान है ये, मतलब गवर्नमेंट पता नहीं क्या कर रही है। ये डिमोनेटाइजेशन से ब्लैक मनी तो मुझे लगता नहीं कि पूरी बाहर हो जाएगी। आप देख रहे हैं किस तरह से लोगों को काफ़ी परेशानियां हो रही है, ऐसे हम जानेंगे और भी एटीएमओ के बाहर कहां क्या स्थिति है। अब आए हम एक्सिस बैंक के एटीएम पर, जहां हम देख रहे हैं कि यहां कोई लाइन नहीं है, ना कोई कैश निकालने आया है, क्योंकि कैशलेस एटीएम ही देख रहे हैं हम लोग। तब से हमने पिछले अभी 4-5 एटीएमओ में गए हैं, अब हम एक्सिस बैंक में आए। अब इसमें भी देखते हैं क्या हालत है इस बैंक में, इस बैंक के एटीएम में। इसकी भी जो स्थिति हम देख रहे हैं, यहाँ पर हमारे साथ एक बात करने के लिए मौजूद हैं, इस समय हम देख रहे हैं कि गार्ड बैठे हुए हैं। क्या स्थिति है यहाँ पे बैंक इस एटीएम की, क्या कब से पैसा आया है, क्या आज क्यों यहाँ पे लाइन नहीं लगी हुई है? यहाँ पढ़ा ही नहीं है, कैसी नहीं पढ़ा, काफ़ी दिन हो गए। तो यहाँ पे लोग आ रहे हैं, पूछ रहे हैं आपसे, जानकारी ले रहे हैं? हाँ, पूछ रहे हैं, जानकारी ले रहे हैं, बोलते हैं कि कैसी नहीं आ रहा। कैसे नहीं आ रहा, हो गया करीब एक महीने में एक बार पड़ा था। आप देख रहे हैं जो गार्ड हैं एटीएम के, वो भी थके हारे हैं और बैठे हुए हैं आराम से, क्योंकि कैश नहीं है एटीएम में और लोग भी नहीं आ रहे हैं यहाँ पर, खाली पूछते हैं और चले जाते हैं। अब देखना ये है कि क्या लोगों की समस्याओं का समाधान हो रहा है। सरकार कह रही है लगातार कि लोग समस्या से अनभिज्ञ हैं, कोई समस्या नहीं है जनता के अंदर। आप देख रहे हैं एटीएम में काफ़ी दिन से पैसा नहीं है, कैश नहीं है। आप देख सकते हैं क्या स्थिति होगी लोगों के अंदर, क्योंकि बैंकों के बाहर भी लगातार लाइनें लगी रही थी और जहां हम एटीएम देख रहे हैं वहां पर पैसा नहीं है एटीएम के अंदर और कई जगह एटीएम ख़राब भी हैं। तो हमारे साथ बात करने के लिए गार्ड मौजूद हैं। क्या है यहां पे, कब से कैश नहीं आया? सर 4 दिन हो गया कैश नहीं आ रहा, शाम को डेली आता है, 2 दिन या 3 दिन बीच के रख फरक करके कैश आ रहा है शाम को, लेकिन यह है कि 2-3 दिन से इस बीच अभी कैश नहीं आया है। लास्ट टाइम कब आया था? ये आया था 3 दिन पहले। मतलब कैश आता है 3 दिन पहले आया था और कुछ ही देर में मतलब खत्म हो जाता है? नहीं, काफ़ी टाइम, 2 घंटे तो चल रहा है, 1.5-2 घंटे तो चलता है। मशीन सही है यहाँ पर? हाँ, मशीन सही है, मशीन सही है। आप देख रहे हैं यहाँ पे कैश आता है, लेकिन पिछले 3 दिनों से कैश नहीं आया है। जो स्थिति देख रहे हैं आप, लगभग 1 महीना होने को है और एटीएमओ की ये स्थिति देखने को मिल रही है। अब हम इस वक्त पहुँचे हैं सेंट्रल बैंक के एटीएम के बाहर, जहाँ पर हम देख रहे हैं कि कोई एटीएम के बाहर लाइन नहीं है, वही स्थिति देखने को मिल रही है। लगातार हर एटीएम के बाहर, इस बैंक के बाहर, इस एटीएम के बाहर भी यही स्थिति है। और आइए चलते हैं, देखते हैं क्या स्थिति है अंदर, क्या लिखा हुआ है एटीएम के अंदर। ये देखिए, वही कैश ख़त्म, फिर वही स्थिति, कैशलेस एटीएम। सभी एटीएमओ की यही स्थिति है। बैंकों के बाद एटीएमओ में एक आस लगाई जा रही थी कि एटीएमओ में पैसा मिलेगा लोगों को, जो खाता धारक हैं उनको एटीएम के अंदर पैसा मिलेगा, लेकिन अभी तक जो हमने सर्वे किया अपने इन सारे एटीएमओ का, तो कहीं कैश नहीं है तो कहीं एटीएम ख़राब पड़े हैं, ये स्थिति देखने को मिल रही है। क्या सरकार इस ओर ध्यान देगी?
नोटबंदी के बाद बैंकों के बाहर लगातार हम लाइनें देख ही रहे थे कि किस तरह से लोग अपने नोट चेंज करा रहे थे और अपने खातों में पैसा जमा करा रहे थे, और लंबी लंबी लाइनें देख रहे थे हम, देखने को मिल रही थी, और काफ़ी लोगों की समस्याएं भी समझ रहे थे हम लोग और उन्हें जान भी रहे थे। सभी इस चीज़ से वाकिफ हैं कि लोगों को काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन सरकार की तरफ से लगातार दिशा निर्देश बदले गए और अपने नियमों में बदलाव किए गए जनता के लिए। और अब जो अंतिम जो हमारी इस रिपोर्ट में हमने देखा कि एटीएमओ की एक सुविधा दी गई थी कि एटीएमओ में से लोग पैसे निकाल सकते हैं अपने, जो एक लिमिट रखी गई थी, लेकिन आज हम इस रिपोर्ट में देखा, हमने काफ़ी सारे हम एटीएमओ में घूमे जिनमें हमने देखने को मिला कि कहीं पर कैश नहीं है तो कहीं पर एटीएम खराब पड़े हुए हैं, एटीएमओ की स्थिति बड़ी ख़राब पड़ी हुई है जहाँ पर लोग कैसे पैसे निकाल सकते हैं। ये एक सोचने वाली बात थी, इन सारे एटीएमओ में हमने देखने को मिला। और इस वक्त हम मौजूद हैं एचडीएफसी बैंक के एटीएम पर, जहाँ पर वही सेम स्थिति देखने को मिली है जो पिछली बैंकों में हमने देखा, और यहाँ पर भी यही स्थिति है कि जो यहाँ लिखा हुआ है एटीएम के बाहर कि कैशलेस, मतलब कि नो कैश, यहाँ पर कोई कैश नहीं है इस एटीएम के अंदर, पिछले काफ़ी दिनों से यहाँ आ भी नहीं रहा है कैश। तो ये सारी स्थिति हमने इस पूरी रिपोर्ट में हमने देखा कि सभी बैंकों के, सभी एटीएमओ के अंदर कि जहाँ एटीएम ख़राब है या फिर वहाँ पर कैश नहीं पहुँचा हुआ पिछले काफ़ी दिनों से। तो अब इस सारी रिपोर्ट को देखने के बाद ऐसा लगता है कि इस पर सरकार को थोड़ा ध्यान देना होगा, इस और भी कि जिस तरह से एटीएमओ की स्थिति है उनके अंदर जो स्थिति है उस पर बड़ा ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि लोगों के पास कैश नहीं होगा तो वे अपनी समस्याओं का समाधान कैसे करते रहेंगे, क्योंकि नोटबंदी एक बहुत बड़ा कदम बताया जा रहा था देश के अंदर काले धन को लेकर, भ्रष्टाचार को लेकर, लेकिन जो जनता की समस्याएं उन पर भी लगातार सरकार ध्यान दे रही है, लेकिन ग्राउंड लेवल की बात करें तो यहाँ पर ऐसा कुछ देखने को हमें नहीं मिल रहा है, क्योंकि बैंकों की जो स्थिति है उससे काफ़ी परेशान हैं लोग, उनसे काफ़ी नाराज़ हैं कि जो स्थिति उन्होंने बनाई हुई है। एटीएमओ की बात करें या बैंक के अंदर की बात करें, ये थी हमारी खास रिपोर्ट एटीएम, कैशलेस एटीएम जिसके अंदर कोई कैश नहीं है। कैमरामैन कामिल कुरैशी के साथ मुकेश गुप्ता, मीडिया टुडे।